नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग के रिलेटेड। आपका एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट करवा लिया गया है, आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया है। अब आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप जैसे ही अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस वाले आप सेक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ वेरियस नर्सिंग कोर्सेज, तो ये आपको एक लिंक दिया गया है जिसमें आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका शेड्यूल जारी किया गया है। तो इस शेड्यूल में क्या दिया गया है जानते हैं। तो आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में शेड्यूल की नोटिफिकेशन है, ये पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होकर आपके पास में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग, तीनों कोर्सेज का ये शेड्यूल जारी किया गया है। आपका रिजल्ट ऑलरेडी जारी कर दिया है, आपने अपना स्कोर भी देख लिया होगा और उस स्कोर के बेसिस पे आपने अपनी रैंक भी देख ली हुई, कितनी रैंक आपकी बन रही है। अगर इसमें शेड्यूल की बात करें तो आपकी 19/11/2021 से 23/11/2021 के बीच में आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया। अभी इस फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको करना क्या होगा, तो जो आपको कॉलेज लिस्ट दी गई है उसमें कितनी सीट है वो आपको चॉइस फील करनी होगी, किस कॉलेज को आप प्रायोरिटी पे रखना है, किस कॉलेज को आपको नीचे रखना है। तो सीक्वेंस में आप उस बेसिस पे आप रख सकते हैं कि आपका स्कोर है वो कितना बन रहा है। आपका स्कोर अगर अच्छा बन रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, अगर आपका स्कोर कम बन रहा है तो मेरा यही कहना है कि आप प्राइवेट कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखें, जिससे कि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ही कॉलेज अलॉट हो जाए और बाद में आपको सेकंड राउंड या मोपअप राउंड में वेट ना करना पड़े। तो आपको फर्स्ट राउंड में आपको अपनी जो डिटेल्स हैं उसके साथ में लॉगिन करना है। 19/11/2021 से आपकी स्टार्ट होगी, लास्ट डेट आपकी 23/11/2021 है। इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी काउंसलिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके जो भी डाउट है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज फील करें या प्राइवेट कॉलेज, तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपका अच्छा स्कोर है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकती है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखिए, अदरवाइज आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेज को प्रायोरिटी पर रखिए, जिससे कि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल सके। अब आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज चॉइस फील कर दी, उसके बाद में आपका रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा 27/11/2021 को। आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, कौन सी नहीं हुई है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो ये आपको 27/11/2021 को पता चल जाएगा। 27/11/2021 को जैसे ही आपको अगर कॉलेज अलॉट होती है तो आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, अपनी फीस लेके जो कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज में, और अलॉटमेंट लेटर आपको जारी कर दिया जाएगा। तो उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवा के आपकी जो लास्ट डेट दी गई रिपोर्टिंग करवाने की 1/12/2021 को, तो आप 1/12/2021 तक आप रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद में अगर आप रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे तो वो आपकी वैलिड नहीं रहेगी, आपका जो कैंडिडेचर है उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग की। सपोज दैट क्या होगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड काउंसलिंग की आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 5/12/2021 से 8/12/2021 के बीच में आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी बीच में जैसे आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, जो कॉलेज चॉइस फील की थी, आप सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकते हैं और उसी तरीके से आपको अपनी कॉलेज चॉइस फील करनी है, अपने रिजर्वेशन कोटा के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको खुद को एनालिसिस करनी होगी कि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है या कौन सी कॉलेज आपको स्किप करनी चाहिए, किसको कितने सीक्वेंस पर रखना चाहिए, ये आप खुद अपने स्कोर के बेसिस पर ही डिसाइड करेंगे। आप अपनी कॉलेज लिस्ट आप पहले ही बना के तैयार रखें जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा 18/12/2021 को, किन स्टूडेंट को अलॉट हुआ किन को नहीं हुआ। तो ये आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग की, फर्स्ट राउंड में जो सीट वेकेंट रहेगी उन्हीं के लिए आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो 18/12/2021 को आप चेक कर सकते हैं। और जो आपकी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगी उनको रिपोर्टिंग करवानी होगी 20/12/2021 को, इसके बाद में नहीं, तो इतना कम समय मिलेगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह पहले से ही रेडी रखें जिससे कि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, ये शेड्यूल जारी किया गया था, ये बीएससी, पोस्ट बेसिक और एमएससी तीनों कोर्सेज के लिए हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।